कोसी कला नगर पालिका परिसर में पालिका प्रशासन के द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाए गए 15 टिपर कबाड़ा बन रहे हैं, जिन्हें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से नगर पालिका क्षेत्र की साफ सफाई के लिए करीब 1 वर्ष पूर्व मंगवाया गया था, जिनका रखरखाव तो दूर आज तक पालिका के वार्डों में नहीं चलाए गए हैं। आपको दिखाई दे रहे ये सभी टिपर बारिश के पानी में गल रहे हैं जिसकी तरफ किसी भी पालिका कर्मचारी का कोई ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में खुले में रखे सभी ट्रिपरों की बैटरियां पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी की जा चुकी हैं। पालिका के वार्ड सभासदों की माने तो इन ट्रिपरों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारियों की मनमाने रवैये के चलते इन्हें जबरन खरीदा गया था, ताकि पालिका क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को उठाकर बाहर डाला जा सके। लेकिन वर्तमान की हालत यह है कि शोपीस बने ट्रिपरों के कारण हर कोई पालिका प्रशासन पर उंगली उठा रहा है। इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के वार्ड सभासद चंदन सिंह पोनिया ने नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुजर एवं अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने के माध्यम से इन ट्रिपरों को खरीदने का आरोप लगाया है। इस बारे में जब नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो दोनों अधिकारियों के ऑफिस के ताले बंद नजर आए। वहीं जब पालिका परिसर में मौजूद सफाई निरीक्षक से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। क्या कहते हैं नगर पालिका के वार्ड सभासद चंदन सिंह पोनिया? वो क्या कहना चाहेंगे, ये जो ट्रिपर जो खड़े हुए हैं नगर पालिका परिषद में, वो काफी दिनों से मतलब ऐसी खड़ी हुई, लगभग क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में यही कहेंगे कि ये जो वाहन खरीदे गए हैं ये बिल्कुल औचित्यहीन है, इनका कोई यूज नहीं हो रहा है और चेयरमैन साहब पूरी तरह से फेल हैं। इनको ना चलाने में सक्षम है और ना ही कोई विकास कराने में सक्षम है। मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का काम हुआ है, कोई वार्ड में काम नहीं हुआ है। केवल अपनी मन मर्जी से वहाँ पर काम हो रहे हैं जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे वार्ड में ना आज तक पानी आया है, वादा किया है, 2-3 पाइपलाइन डलवा के छुड़वा दी गई हैं और जो है मन मर्जी चल रही है। किसी सभासद का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई सभासद नगर पाल का आता नहीं है, पूरी तरह से नगर पाल का फेल हो चुकी है। बताया गया कि लगभग तो 1 करोड़ रुपए की अधिक लागत से खरीदा गया था, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? मतलब आपको पता है इस बात की? हाँ, इस बात की पता है, लेकिन कोई मान सम्मान ही नहीं होता, किसी की कोई सलाह नहीं ली जाती है मेंबरों की, और मेंबर आते ही नहीं इस वजह से, क्योंकि मन मर्जी चल रही है। मन मर्जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नगर पालिका में, यूपी में, पूरी यूपी में ये पहली नगर पालिका होगी जो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अग्रण है। वो आज ना तो यहाँ इनकी कुछ चेयरमैन है और ना ईओ है, यहाँ पर ईओ और चेयरमैन दोनों भ्रष्टाचार में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार कर रही हैं। मनमानी चल रही है दोनों की मिलकर, ना कर्मचारियों का भुगतान होता है और ना ही सफाई की कोई व्यवस्था है, केवल भुगतान हो जाता है, फर्जी और खा जाते हैं।